हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय माता दी। दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं हमारे गांव में कितनी झांकियां लगी हैं, और झांकियों के साथ में आज वहां पे महाआरती होगी। मतलब तो छोटा सा गांव है, उसमें कुछ एक झांकी लगी है, वो आपको दिखाते हैं। जब हम लोग स्कूल जाते थे उसी टाइम पे, हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे तभी से झांकी लगाना स्टार्ट किया था। लगभग 6 क्लास में थे तब से हम लोग झांकी लगाते थे, एक एक दो दो रुपए इकट्ठा करके। पहले एक जो थर्माकोल होता है उसमें एक पोस्टर लाते थे माता जी का, उसको चिपका करके और उसको साइडों में से काट लेते थे और फिर उसको 9 दिनों तक लगा के रखते थे बढ़िया अच्छे से सजा के। तो इस तरह से हम लोग लगाते थे बचपन में, और तभी से हम लोग रामलीला भी करते थे। बहुत छोटे छोटे थे हम लोग, और उस टाइम के फोटोज वगैरह भी हैं मेरे पास, वो कभी टाइम मिला तो आपको दिखाऊंगा कि रामलीला यहाँ पे होती थी छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, और अच्छे से होती थी। उसको 9 दिन तक करते थे, और 10वें दिन जिस दिन दशहरा होता है उस दिन रावण को मार करके हमारी जो रामलीला होती थी उसको एंड कर देते। तो मित्रों, देख सकते हो ये है पहली झांकी, और इस तरह से हमारे गांव में कुल 3 झांकियां लगी हैं। बाकी 2 झांकियां भी आपको मैं दिखाऊंगा। उन 2 झांकियों में से एक झांकी पे आज 2100 दीपक जला करके महाआरती होगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे मोहल्ले वाली झांकी है। तो माता जी देख सकते हो कुछ इस तरह से सुंदर सज रही हैं, और बड़ा ही सुंदर माता जी का दरबार सजा हुआ है। जब भी नवरात्रे आते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं कि किस तरह से थर्माकोल के ऊपर एक माता जी के पोस्टर को चिपका करके हम लोग कैसे कैसे झांकियां लगाते थे, किस तरह से 9 दिनों तक माँ का जगराता करते थे। तो जब भी नवरात्रे आते हैं तो पुराने दिन याद आ जाते हैं। तो गाइज, अब हम लोग आए हैं दूसरी झांकी पे, और ये जो झांकी है वो है तालाब के पास वाली। हमारे गांव में एक बड़ा सा तालाब है, उसके पास में ये झांकी लगाई गई है। छोटा सा गांव है हमारा, उसमें 3 झांकियां लगी हैं। अगर मिलकर के एक झांकी भी लगाता पूरा गांव तो बहुत सुंदर तरीके से उसको सजा सकते थे। फिर भी यहाँ पर बहुत जैसा बना बच्चों से ऐसा उन्होंने सजावट की है, बहुत सुंदर माता जी लग रही हैं। तो मित्रों, अब हम लोग आए हैं तीसरी वाली झांकी पे, और यहाँ पर देख सकते हो तैयारियाँ चल रही हैं महाआरती की, और सभी लोग किस तरह से तैयारियों में लगे हुए हैं वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर 2100 दीपक सजाए गए हैं आज आरती के लिए, यानी आज जो आरती होगी माता जी की वो 2100 दीपक के साथ में होगी, और अभी सभी लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। दीपों में तेल भरा जा रहा है, देख सकते हो सभी लोग तेल भरने में लगे हैं, और तेल भर करके एक साथ में इन सभी को जलाया जाएगा और फिर जो है आरती होगी। तो यहाँ पर जब आरती होगी तो वो नज़ारा देखने लायक ही होगा, यहाँ का बहुत ही सुंदर दृश्य अभी आपको देखने को मिल रहा है। और ये है माता शेरावाली, और आप जो देख रहे हैं वो है 5वें दिन का श्रृंगार। तो माता जी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, दृश्य बहुत सुंदर है, देख सकते हो।
तो देख सकते हो अब जो है सभी दीपों को एक साथ में जलाया जा रहा है और सभी लोग एक एक करके सभी दीपों को जला रहे हैं और जैसे ही सारे दीप जल जाएंगे फिर आरती स्टार्ट होगी। तो सभी लोग लगे हुए हैं दीपों को जलाने के लिए। Thank you.
हनुमान जी महाराज के लिए और जो कि हमारे हनुमान जी महाराज ने अपने प्राणों के बल पर और हमारे श्री राम प्रभु के लिए हरी जो खेल।